जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 16 अक्टूबर 2022 रविवार का दिन है। कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि 7:05 और 9 सेकंड तक रहेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में है और 10 डिग्री पर विद्यमान है। आज आंद्रा नक्षत्र है और नक्षत्र 26:15 और 5 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं। दशवदेव त्योहार की बात करें तो आज कोई त्योहार नहीं है और आज का राहु काल 16:31 और 25 सेकंड से 17:57 और 48 सेकंड तक रहेगा और राहु काल के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, को रत्न धारण नहीं किया जाएगा क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य करना है। आज रविवार का दिन है, राहु का नक्षत्र है, इसीलिए आज 2 मिनट अपने घर के अंदर दिन में 12 बजे से पहले पहले ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। मात्र इतना सा उपाय आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त करवाएगा। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। दर्शकों, नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से 11वें का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:26 और 43 सेकंड पर कन्या लग्न बन रहा है। कन्या राशि के अंदर ही सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्रदेव हैं। तुला राशि के अंदर केतुदेव हैं, मकर राशि में शनिदेव हैं, मीन राशि में बृहस्पति हैं, मेष राशि में राहु हैं, वृषभ राशि के अंदर मंगल हैं तथा मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा है। यह आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। दर्शकों, यदि आपको आपका लग्न पता है तो आप लग्नफल फॉलो करेंगे और यदि आपको आपका लग्न नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम से जो आपकी राशि बनती है आप वह फलादेश फॉलो करेंगे। आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों से। आज का दिन आपका अच्छा है क्योंकि मन में उत्साह भी वैसा ही है। आज आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं क्योंकि मार्ग की बाधाएं आज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगी। आज आप जहां हाथ डालेंगे वही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आज आप बहुत ज्यादा मीन मेक निकालेंगे। हर काम के अंदर कुछ ना कुछ कमी ढूंढना ये आज आपकी आदत रहेगी और बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बिना मतलब अपनी बात को कह देना ये भी आज आपके साथ जरूर होगा। इसीलिए वाणी को लगाम दीजिए और अपने दिमाग को स्थिर रखिए, यही आज आपको करना चाहिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, राहु आपको बहुत बड़े ख्वाब दिखाएगा और इस ख्वाब को देखते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आज लालच में नहीं फंसना है क्योंकि मन आपका अस्थिर है और आपको मन आज भटकाने का प्रयास भी अवश्य करेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज आप अपने संसाधनों के द्वारा कुछ ऐसे प्रयोजन अपने लिए सिद्ध करने की कोशिश करेंगे जो आपको बड़ी सफलता दिलाए। आज कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है और मित्रों से मुलाकात भी आज आपकी सुखद रहेगी। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना है और अपने दिमाग को भटकने नहीं देना है। आज किसी भी तरह के लालच से अपने आप को बचा कर रखना है क्योंकि आज आप उत्साह में तो हैं लेकिन अति उत्साह ही आज आपको भारी पड़ेगा। इसीलिए अति उत्साहित होकर के कार्य नहीं करना है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, चंद्रमा आपके काम में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेगा। आज आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक किया कुछ नहीं और पूरा दिन यूं ही व्यतीत हो गया, ऐसी संभावना आज जरूर बनती है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि राहु के कारण से आज आप बिना मतलब
इधर उधर की बातों में अपने आप को फंसा के रखेंगे और यही एक मुख्य कारण होगा कि आज हुआ कुछ नहीं और पूरा दिन यूं ही चला गया। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आप बड़े ख्वाब तो देखेंगे लेकिन आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है उनको पूरा करने के लिए। ऐसे में आप केवल प्लानिंग तक सीमित रहेंगे और आपको आज कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आएगा जिससे आप अपने उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाए। इसीलिए आज धरातल पर काम नहीं होगा, केवल दिमाग के अंदर ही प्लानिंग बनकर रह जाएगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, चाहे उंगली टेढ़ी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज आप सफलता को हासिल करके अवश्य रहेंगे, क्योंकि आज आप अपने भाग्य पर पूरा भरोसा करके बैठे हैं और भाग्य भी आज आपको निराश नहीं करेगा। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, राहु आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। मजबूर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आपकी आंखों के सामने कुछ अच्छी चीज है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मन के अंदर दुविधा है कि ये चीज मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये कार्य मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। इसी उधेड़ बुन के अंदर आज आप व्यवस्थित अपने आप को नहीं कर पाएंगे। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आपको संसाधनों की प्राप्ति होगी, बेहतर कुछ करने के लिए आप प्रेरित भी होंगे। आज कार्य योजना को आप बेहतर ढंग से अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। बस एक इतना सा ध्यान आप रखिए, आज अगर किसी की मदद ना मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अपने बलबूते पर यह सारे काम आपको पूरे करने हैं। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आप मेहनत भी करेंगे, उस मेहनत का परिणाम भी आपको मिलेगा, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं अस्थिरता रहेगी जो आज आपको आपकी सफलता का स्वाद नहीं चखने देगी। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आप कुछ बढ़ा चढ़ा करके बात आज करेंगे, और बढ़ा चढ़ा के बात तो आप कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि लोग आपकी बात को मानने पर मजबूर भी अवश्य होंगे, क्योंकि आज आप अपनी सुविधाओं को अपनी बुद्धिमता से अपने पक्ष में करने में कामयाब अवश्य होंगे। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।